हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टेक्निक पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से आप किसी भी जेपीईजी फाइल को यानी किसी भी फ़ोटो को आप पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एल्बम को ओपन कर लेना है। और जैसे हमारे पास एक फ़ाइल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास बहुत सारा फ़ोटो है जो कि हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का है। तो आप चाहते हैं ये अभी हमारा जेपीईजी फाइल है यानी फ़ोटो है, तो आप चाहते हैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो क्या करना, सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे सारे को, और आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में आपको एक थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जनरेट पीडीएफ का, इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा सारा फाइल, सारा फ़ोटो ये पीडीएफ में आ चुका है। और उसमें और आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस पे क्लिक कीजिए, फिर से आपका फाइल खुल जाएगा। और फिर से आप यहाँ से सिलेक्ट करके फिर से आपको सही वाले बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वो भी हमारा ऐड हो चुका है। और सिंपली आपको क्या करना है, इस राइट साइड में सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप नाम दे सकते हैं और उसे सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल बन चुका है। आप देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका फाइल पीडीएफ फाइल ये बन चुका है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में पीडीएफ फाइल बना सकते हैं।